देखिए ऐसा है कि जो मंत्रिमंडल में जो भी प्रस्ताव आए और मंत्रिमंडल ने स्वीकार किया, वो मंत्रिमंडल के जो सचिव हैं वो आपको पूरा विधिवत बता देंगे। मैं केवल स्वास्थ्य के लिए जो एक प्रस्ताव पर मैं आपको बोलूँगा और बाद बाकी जो माननीय मुख्यमंत्री जी जिनको अधिकृत करेंगे वो बोलेंगे या कैबिनेट सचिव बोलेंगे। एक प्रस्ताव जो स्वास्थ्य का है कि राज्य के सभी कर्मियों को स्वास्थ्य विभाग की ओर से 5 लाख रुपए तक का कैश कार्ड हम दे रहे हैं, जो मंत्रिपरिषद ने स्वीकृत किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर जो विकलांग जो बच्चे होंगे स्वास्थ्य कर्मियों के उनको भी उसमें समायोजित किया है जिंदगी भर के लिए। साथ ही साथ जो हमारे राज्य के स्वास्थ्य कर्मी हैं उनकी यदि बेटी या उनके घर की कोई महिला विधवा है या परित्याग कर दिया है या बेटी पूरे उम्र तक कुंवारी है और या उसके घर के 25 साल का कोई नौजवान है जो अभी तक काम धंधा नहीं कर रहा है, वो भी इस लाभ से लाभान्वित होंगे। साथ ही साथ जो पूर्व विधायक हैं वो भी इस लाभ से लाभान्वित होंगे। यदि हमारे राज्य के स्वास्थ्य राज्य के जो भी कर्मचारी हैं यदि उनको बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी एयरलिफ्ट भी उनको दिया जाएगा। साथ ही साथ यदि 5 लाख से ऊपर यदि हमारे राज्य के कोई भी कर्मचारी 5 लाख से ऊपर यदि उसको स्वास्थ्य की सेवा की ज़रूरत होगी तो स्वास्थ्य विभाग उस पर 5 लाख से ऊपर भी खर्च करने के लिए सक्षम होगा। और वो लिमिट की बात नहीं है, बात है कि राज्य के कर्मियों की जान बचाने के लिए राज्य सरकार किसी भी लिमिट का उसमें उपाय नहीं है, वो अनलिमिट है। लेकिन अभी हम लोग 1,000 रुपया करके 12,000 रुपया हमारे राज्य के कर्मियों को देते थे, जिसमें से हम लोगों ने 6,000 रुपया उनको बीमा कराएंगे और 6,000 का उनको 500 रुपया करके उनको OPD का लाभ भी देंगे। मतलब 6,000 रुपया के एवज में उनको 5 लाख रुपया तक का हम इलाज उनको फ्री करेंगे। वो निजी अस्पताल में भी करा सकते हैं या बाद में? वो सारे निजी अस्पताल भी हैं, सरकारी अस्पताल भी हैं, जितने अस्पताल इंपैनल्ड हैं वो सारे अस्पतालों में वो इलाज करा सकते हैं। अब वो इंश्योरेंस कंपनी वगैरह वो आगे की बात है, लेकिन अभी मंत्रिपरिषद ने मेडिकल यूनिवर्सिटी अब हम खुद हमारे स्वास्थ्य विभाग का होगा। और हम लोग पहले टाइप करते थे किसी विश्वविद्यालय से, अब हम लोग खुद जो है अपना विश्वविद्यालय का नींव रखेंगे और उसके माध्यम से राज्य के स्वास्थ्य की दिशा दशा को और मजबूत करने का ये एक स्वास्थ्य विभाग का एक मजबूत पहल है। नहीं स्वीकृति हुआ आज, उत्तर नहीं, आज स्वीकृति हुआ है। नहीं उस वो तो बात की बात है, लेकिन हम लोगों ने राज्य में अभी तक मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं थी, उस मेडिकल यूनिवर्सिटी का भी निर्माण करने का मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दिया। इसी के साथ साथ आयुष्मान से जितने लोग लाभान्वित हो रहे थे उसके साथ हम लोग मुख्यमंत्री गंभीर योजना को भी टाइप किए हैं और हम लोग भारत सरकार से मांग करेंगे कि जो 77 लाख हमारा परिवार है लाभुक का, उसमें मात्र 28 लाख लोगों को वो 60% देते हैं, बाद बाकी हम पूरा 100% देते हैं। तो हम ये भी मांग करेंगे कि वो 77 लाख जो लाभुक हैं, चूँकि प्रधानमंत्री जी ने भगवान बिरसा की इस पवित्र भूमि में आयुष्मान का नींव रखा था, तो हमारे लोग क्यों इस लाभ से लाभान्वित नहीं होंगे, इसलिए हम केंद्र सरकार से इसकी मांग भी रखेंगे और दोनों को समायोजित भी कर दिया। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।